सूजी का हलवा बनाना बहुत ही आसान है। उसके लिए हमें चाहिए 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी शक्कर, जितनी सूजी आप लेंगे शक्कर उतनी ही लेंगे, घी 1 कटोरी लिया है लेकिन हम आवश्यकता अनुसार डालेंगे, 5 से 7 काजू, किशमिश या फिर जो भी ड्राई फ्रूट आप यूज़ करना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। सूजी का हलवा बनाने के लिए पहले मैं कढ़ाई में घी डालती हूँ। कढ़ाई में घी थोड़ा गर्म होने पर हम उसमें डालेंगे सूजी और इसको बहुत धीमी आंच पर, एकदम कम आंच पर हम धीमे धीमे सेकेंगे। मैंने जो 1 कटोरी घी लिया था वो मैंने पूरा नहीं डाला है, इसमें से मैंने इतना घी बचा लिया है। सूजी को हम बहुत ही धीमी आंच पर सेकेंगे। बहुत से लोग सूजी का सफ़ेद हलवा भी बना लेते हैं लेकिन वो उतना टेस्ट नहीं आता। जब हम सूजी को सुनहरा भूनने के बाद हलवा बनाएंगे उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए सूजी हमने सेक कर एकदम सुनहरी कर ली है। सूजी आपको दिख रही होगी एकदम सुनहरी हो गई है। अब 1 कटोरी सूजी में लगभग 3 कटोरी पानी हम डाल सकते हैं, तो हम पानी डालेंगे और इसको साथ साथ में हिलाते जाएंगे। हमने गैस को तेज कर लिया है। अब हमें इसमें 1 कटोरी लगभग हमारी शक्कर डाल देंगे। शक्कर डालने के बाद हम इसे अच्छे तेजी से भूनेंगे ताकि इसका पानी पूरा खत्म हो जाए। ये देखिए पानी पूरा सूख गया है और हलवा गाढ़ा हो गया है। इसको मीडियम फ्लेम पे थोड़ा और भूनेंगे। इतने हम हमारे काजू के पीस कर लेते हैं और ये आपका हलवा तैयार है।